गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द इंक्लाइंड प्लेन। द इंक्लाइंड प्लेन जनरली बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एक जनरल सरफेस को हम किसी भी एक थीटा एंगल पर क्या कर दें, इंक्लाइन कर दें, तो जो प्लेन हमें जनरेट होगा उसे हम क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन पर एक एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है। इंक्लाइंड प्लेन पर एम मास का क्या रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है, और इंक्लिनेशन एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, तो चलो इसका एफ बी डी बनाते हैं। तो लेकिन उससे पहले एफ बी डी बनाने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि इस टाइम सरफेस कॉन्टैक्ट में इस टाइप में, तो नॉर्मल क्या रखता है हमेशा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल हमेशा कहाँ रहता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो नॉर्मल का डायरेक्शन इस टाइप में होगा। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा, एम जी। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा, एम जी आएगा। इस डायरेक्शन में क्या है, नॉर्मल। इस डायरेक्शन में क्या है, नॉर्मल। तो हमें एम जी के हमेशा दो कंपोनेंट करने हैं, हमें हमेशा एम जी के दो कंपोनेंट करने हैं। पहला कंपोनेंट तो कहाँ करना है, अलोंग द सरफेस। पहला तो कहाँ करना है, अलोंग द सरफेस, ये क्या करना है, कंपोनेंट ऑफ एम जी। तो कोई भी फोर्स गिवन हो, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, एनी फोर्स जो भी हमें गिवन होगा, हम उसके दो कंपोनेंट कैसे किस डायरेक्शन में करेंगे, एक तो अलोंग द सरफेस और एक सेकंड करेंगे हम परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सेकंड क्या करेंगे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक, तो देखो एम जी के एक दो कौन करने पड़ेंगे, एम जी का एक तो कहाँ करना पड़ेगा, अलोंग द सरफेस। तो देखो इंक्लिनेशन एंगल कितना है, थीटा। इंक्लिनेशन एंगल कितना है, थीटा। तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो इसको ध्यान से देखना, ये एंगल क्या है, थीटा। तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो एम जी का इधर कंपोनेंट क्या, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। तो एम जी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, यही आएगा। और इधर कंपोनेंट कौन सा आएगा, क्या एम जी साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, एम जी साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो देखो ये कैसे आ गया डायग्राम, यदि हम इस डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करें, तो एम जी था, एम जी का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर और एक कंपोनेंट अलोंग द सरफेस। तो परपेंडिकुलर में क्या, एम जी साइन ऑफ 90 माइनस थीटा मीन्स एम जी कॉस थीटा। इधर क्या आ गया, एम जी साइन थीटा। इधर क्या आ गया, एम जी साइन थीटा। इधर क्या हो गया, नॉर्मल। इधर क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो देखो नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा होगा, क्या पार्टिकल इस डायरेक्शन में कहीं भी मूव कर सकता है, पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द सरफेस कहीं भी मूव नहीं कर सकता है। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, इन वर्टिकल डायरेक्शन। इसलिए क्या होना चाहिए, इन वर्टिकल डायरेक्शन। एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। और यदि हम किसका बात करें, हॉरिजॉन्टल का, सॉरी अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन या अलोंग द सरफेस, क्या इसके पास इधर एक्सेलरेशन रिमेन है, इसके पास इधर नेट फोर्स कितना रिमेन है, एम जी साइन थीटा। तो इसके पास क्या इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा, तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। एफ नेट कितना है, एम जी साइन थीटा। एफ नेट कितना है, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। एम सी एम क्या हो गया, कैंसिल आउट। ए इज इक्वल टू क्या आ गया, जी साइन थीटा। ए इज इक्वल टू क्या आ गया, जी साइन थीटा। अरे बोलो क्या बात समझ में आई। ठीक है, तो नोट कर लो इसको, ये याद रखना हमें हमेशा, जब भी इंक्लाइंड प्लेन गिवन होगा तो फोर्स के कंपोनेंट, कोई भी गिवन फोर्स हो उसके कंपोनेंट कैसे करने हैं, एक तो अलोंग द सरफेस और सेकंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है,
एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन एंगल कितना है, 45 डिग्री। इंक्लिनेशन एंगल कितना है, 45 डिग्री। और इस पर एक 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, तो बताना है फाइंड द नॉर्मल फोर्स, फाइंड द नॉर्मल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। क्या क्या बताना है, नॉर्मल फोर्स और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। तो चलो एक बार खुद से करके देखो आता है या नहीं आंसर इसका। ठीक है, तो करके देख लिए सबने, तो चलो देखते हैं। तो हमें क्या 5 kg का FBD बनाना पड़ेगा, हमें 5 kg का क्या बनाना पड़ेगा, FBD। FBD में हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगता है, MG लगता है। अब देखो क्या ये सरफेस है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगेगा, नॉर्मल। तो इधर क्या आ गया, N। इधर क्या आ गया, N। अब हमें क्या MG के दो कंपोनेंट, हमें MG के क्या करने पड़ेंगे, दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एक तो अलोंग द सरफेस और एक कौन सा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दोनों करने पड़ेंगे। तो देखो इधर का साइड वाला कंपोनेंट क्या आएगा, क्या एम जी कॉस थीटा या एम जी साइन थीटा। इधर कौन सा कंपोनेंट आता है, एम जी साइन थीटा, और इधर कौन सा आता है, एम जी कॉस थीटा। तो एम कितना है, 5। तो पुट करोगे तो नॉर्मल इज इक्वल टू क्या आ गया, एम जी कॉस थीटा। नॉर्मल इज इक्वल टू क्या आ गया, एम जी कॉस थीटा। तो एन एम कितना है, क्या 5, जी का वैल्यू 10, कॉस थीटा, थीटा कितना है, 45। तो क्या कॉस 45, तो कितना हो गया, 50 cos 45 degree। तो ये कितना हो गया, 50/√2, या फिर मैं इसे लिखना चाहूँ तो और क्या लिख सकता हूँ, 25√2। बोलो बात समझ में आई। ठीक है, अब चलो और देखते हैं। अब पार्टिकल पर इधर की डायरेक्शन में जो फोर्स बच रहा है वो कितना है, एम जी साइन थीटा अलोंग द इंक्लाइन। एफ नेट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम ए होना चाहिए। एफ नेट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम ए। तो एफ नेट इज इक्वल टू, देखो एफ नेट कितना है, क्या एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, एम से एम कैंसिल आउट। तो क्या आ गया, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। जी कितना, 10, 1/√2, साइन 45 है तो 5√2। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 5√2। एक्सेलरेशन कितना आ गया, 5√2। और नॉर्मल कितना आ गया, 25√2। क्या बात समझ में आ गई, चलो नोट कर लो जिसका आंसर आ गया है, अच्छी बात है। तो चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन को और ध्यान से देखना। एक इंक्लाइन प्लेन के बने कितने एंगल पर, 37 डिग्री एंगल पर, कितने एंगल पर, 37 डिग्री एंगल पर। यहाँ पर एक रखा हुआ है 10 kg का ब्लॉक, यहाँ पर एक 10 kg का क्या रखा हुआ है, ब्लॉक लगा। और इस ब्लॉक पर हमने क्या अप्लाई किया, हॉरिजॉन्टल से एक 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया। हॉरिजॉन्टल से क्या कर दिया, 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया, दिखाई दे रहा है ना, कितने का, 50 न्यूटन का। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड नॉर्मल फोर्स, एंड नॉर्मल दोनों बताना है, एक्सेलरेशन भी बताना है ब्लॉक का और नॉर्मल फोर्स कितना होगा ये भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या बनाते हैं, एफ बी डी बनाना पड़ेगा। तो अब देखो एफ बी डी जब बनाओगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो क्या आएगा, एम जी। डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो क्या आएगा, एम जी। एम कितना, 10, और जी कितना, 10। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो कितना आ गया, 100। लेकिन क्या इस ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में एक 50 न्यूटन है, इस डायरेक्शन में क्या है, एक 50 न्यूटन। अब देखो इनका क्या कॉन्टेक्ट सर्फेस ऐसे है, कॉन्टेक्ट सरफेस इस टाइप में है, तो कॉन्टेक्ट सरफेस का इस डायरेक्शन में क्या आएगा, नॉर्मल। कॉन्टेक्ट सरफेस का हमेशा परपेंडिकुलर क्या आता है, नॉर्मल।
तो हमने पहले क्या पढ़ा था कि हर फोर्स को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, पहला अलोंग द सरफेस और सेकंड केस में परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सेकंड केस में परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो देखो यदि ये एंगल क्या है थीटा, ये एंगल क्या है थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा, ये तो पता है ना, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो 50 का इधर कंपोनेंट करो तो क्या 50 cos थीटा, 50 cos थीटा, और क्या इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट ऐसे आएगा कितना 50 sin थीटा। अरे बोलो बात समझे या नहीं। ठीक है अब देखो इधर कितना 100, ये एंगल कितना है थीटा, तो क्या ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये कितना एंगल 90 माइनस थीटा, तो इधर 100 का कौन सा कंपोनेंट, क्या 100 cos of 90 माइनस थीटा, इसे मैं और क्या लिख सकता हूँ 100 sin थीटा, इसे मैं और क्या लिख सकता हूँ 100 sin थीटा। और 100 के इधर एक और कंपोनेंट आएगा, 100 का इधर एक और कंपोनेंट आएगा और उसे मैं क्या लिख सकता हूँ 100 sin of 90 माइनस थीटा, तो क्या लिख सकता हूँ 100 sin of 90 माइनस थीटा या 100 cos थीटा। अरे बोलो बात समझे। ठीक है तो देखो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इस डायरेक्शन में कितने फोर्स हैं दो, तो देखो इस डायरेक्शन में अब मैं लिखता हूँ इन परपेंडिकुलर टू सरफेस, इस डायरेक्शन में एक ही फोर्स है कौन एन, ठीक है, और इधर की डायरेक्शन में कितने फोर्स है दो, कौन कौन से 100 cos थीटा और 50 sin थीटा, क्या यही दोनों है 100 cos थीटा और 50 sin थीटा, बोलो। ठीक है तो एन 100, थीटा कितना है क्या 37, तो cos 37 प्लस 50, थीटा कितना है 37, तो sin 37। बात समझ में आया, एन इज इक्वल टू क्या आ गया 100 cos 37 कितना होता है 4/5 प्लस 50 sin 37 कितना होता है 3/5। तो देखो एन इज इक्वल टू क्या आ गया 80, ये तो कितना 20 टाइम्स, और ये कितना 10 30, तो नॉर्मल कितना आ गया 110, नॉर्मल का वैल्यू कितना आ गया 110 न्यूटन। अरे बोलो बात समझ में आया। अब बात करते हैं अलोंग द सरफेस, अब बात किसका करते हैं अलोंग द सरफेस, ठीक है, तो अलोंग द सरफेस देखो, अलोंग द सरफेस दो फोर्स हैं, एक तो 100 sin थीटा और एक 50 cos थीटा, अलोंग द सरफेस कितने फोर्स हैं दो फोर्स हैं, एक तो 100 sin थीटा और एक 50 cos थीटा, क्या ये बात पता है। ठीक है तो 100 sin थीटा इधर है और 50 cos थीटा क्या है, दोनों अपोजिट साइड है, दोनों एक दूसरे किस में अपोजिट साइड में, तो एफ नेट इज इक्वल टू तो हमेशा क्या होता है एम ए, एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है एम ए, लेकिन जब मैं एफ नेट लिखूंगा तो क्या मुझे एक में से दूसरा फोर्स क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है अपोजिट, तो 100 sin थीटा, 100 sin थीटा माइनस 50 cos थीटा, ठीक है, इजिकल टू क्या होना चाहिए एम कितना 10 और एक्सेलरेशन कितना फाइंड आउट करना है भाई, तो 100 sin 30, साइन कितना है 37, तो 100 into sin 37 कितना 3/5 माइनस 50 into cos 37 कितना होता है 4/5, इजिकल टू क्या 10 into a, इजिकल टू क्या 10 into a, तो देखो ये कितना 60, ये कितना बचेगा 60, ये कितना बचेगा 40, तो 60 में 40 गया तो 20 इज इक्वल टू 10 a, ए इज इक्वल टू क्या आ गया 2 मीटर पर, अरे बोलो समझ में आया। ठीक है तो हम क्या ऐसे आंसर निकाल सकते हैं क्वेश्चन का, चलो और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये इंक्लाइंड प्लेन गिवन है, ठीक है, ये एंगल है 53 डिग्री, ये एंगल कितना है 53 डिग्री,
एक ऐसे ब्लॉक रखा हुआ था 15 kg का। कितने का ब्लॉक था? 15 kg का ब्लॉक था, ठीक है। इस बार क्या किया हमने, इस ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई कर दिया। और फोर्स हमने कैसे अप्लाई किया है? फोर्स हमने इस पर अप्लाई किया है इस टाइप में। फोर्स हमने किस पर कैसे अप्लाई किया? इस टाइप में फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है। और इसका जो इंक्लाइंड प्लेन से एंगल है, इस फोर्स का जो इंक्लाइंड प्लेन से एंगल है वो कितना है? ये एंगल हमें कितने बना है? 37। इंक्लाइंड प्लेन से एंगल कितना है? 37 है। और इस फोर्स का वैल्यू हमें गिवन है 80 न्यूटन। फोर्स का वैल्यू कितना गिवन है? 80 न्यूटन। तो इस 15 kg के मास पर हम लोगों ने क्या किया, 80 न्यूटन का फोर्स इंक्लाइंड प्लेन से, इंक्लाइंड प्लेन से 37 डिग्री के एंगल पर लगा दिया, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? नॉर्मल फोर्स फाइंड आउट करना है। फाइंड द नॉर्मल फोर्स एंड सेम अगेन एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक फाइंड आउट करना है। तो चलो स्क्रीन को पॉज करो अपने और फाइंड आउट करो कि नॉर्मल फोर्स क्या होना चाहिए और एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो करें स्टार्ट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा? क्या FBD बनाना पड़ेगा? मुझे इसका क्या बनाना पड़ेगा? FBD ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो 15 kg का FBD ड्रॉ करो। डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो क्या आएगा? MG। डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो क्या आएगा? MG। ये क्या हो गया? इंक्लाइंड सरफेस। ये कौन सा हो गया? इंक्लाइंड सरफेस। उसके एक परपेंडिकुलर और इससे कितने एंगल पर? क्या 37 डिग्री एंगल पर? कितने एंगल पर? 37 डिग्री एंगल पर कितने का फोर्स अप्लाइड है? 80 न्यूटन का। तो क्या मुझे 80 न्यूटन के कंपोनेंट करने पड़ेंगे? एक तो किधर? अलोंग द सरफेस और एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एक तो अलोंग द सरफेस और एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इधर इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा? क्या 80 cos 37? ध्यान से देखना कौन सा कंपोनेंट आएगा। 80 cos 37। और इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा? क्या 80 sin 37। चलो हम लोगों ने 80 डिग्री वाले के तो कंपोनेंट कर लिए। क्या ऐसे ही मैं MG के कंपोनेंट भी कर सकता हूँ? ऐसे ही मैं किसके कंपोनेंट कर सकता हूँ? MG के कंपोनेंट कर सकता हूँ। तो MG के कंपोनेंट करो। क्या MG का इधर कंपोनेंट आता है हमेशा MG sin थीटा? MG sin थीटा। थीटा क्या है? इंक्लाइंड प्लेन का एंगल। ये वाला एंगल मत समझ लेना, ये वाला एंगल है इंक्लाइंड प्लेन, जितना एंगल बना रहा है, ठीक है। इधर कौन सा आता है? MG cos थीटा। इधर कौन सा आता है? MG cos थीटा। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। देखो तो क्या इधर नॉर्मल भी लगेगा, इधर और क्या लगेगा? नॉर्मल, ठीक है। अब लिखो वैल्यू। तो नॉर क्या होना चाहिए? इन परपेंडिकुलर टू सरफेस क्या होना चाहिए? एन सेम डायरेक्शन में कौन कौन है? एन प्लस 80 sin 37। क्या ये इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? क्या MG cos थीटा? तो एम कितना? 100, सॉरी एम जी कितना? 150। एम जी कितना? 150। cos 37 कॉस कितना आएगा? 53 डिग्री आएगा, क्योंकि थीटा कितना है? इंक्लाइन प्लेन का एंगल 53 डिग्री। तो cos 53 कितना होता है? क्या 3/5। cos 53 डिग्री कितना होता है? 3/5। तो देखो क्या आ गया, एन प्लस 80 sin 37, तो 80 × 3/5 इज इक्वल टू 150 × 3/5। क्या ये आ गया? एन इज इक्वल टू क्या आ गया? कैंसिल आउट करो तो ये कितना रिमेन रहा? 30। तो ये तो आ गया 90। माइनस इसको इससे कट किया तो 16 × 48। एन इज इक्वल टू क्या आ गया? 42 न्यूटन। नॉर्मल हमारा कितना आ गया? 42 न्यूटन। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, अब क्या हमें इस सरफेस के अलोंग भी लेना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? अलोंग द सरफेस भी लिखना होगा।
तो चलो लिखते हैं अलोंग द सरफेस। एफ नेट इज इक्वल टू तो क्या होता है, एम ए होता है, तो एफ नेट लिखते हैं क्या, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। क्या 80 cos 37 इसका अपोजिट है तो किसके साथ आएगा, माइनस साइन के साथ। 80 cos 37 इज इक्वल टू एम कितना, 15 into a, ठीक है। एम जी कितना, 150। थीटा कितना है, 53 डिग्री, तो साइन 53 डिग्री 4/5। माइनस 80 cos 37 कितना होता है क्या, 4/5 इज इक्वल टू 15 है, तो ये कितने टाइम्स कैंसिल आउट, 30, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 120 माइनस ये कितने टाइम्स, 16, तो 16 into 4 कितना हो गया, 64 इज इक्वल टू 15 है। ए इज इक्वल टू क्या आ गया, क्या 56/15, ए का आंसर कितना हो गया, 56/15 मीटर पर। अब बोलो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कब सॉल्व कर लोगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आओगे तो सॉल्व कर लोगे और आंसर भी आ जाएगा सब लोगों का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में और इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।